वेलकम टू माई चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ। मैं हूँ दीपिका और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस आज का मेरा ये ब्लॉग है और आज मेरा व्रत है। हमारे में पति और बच्चों के लिए गुजराती में एवरेज जय व्रत का व्रत होता है, तो बस वही है मेरा। तो अभी मैंने पूजा की और बस अभी बैठी हूँ मैं, और सुबह से कुछ खाया नहीं था। अब मैं खाऊंगी 2 पीस एप्पल के और थोड़ी सी खजूर, क्योंकि वीकनेस ना लगे। और सुबह मैंने चाय पी थी और थोड़ी बहुत ड्राई फ्रूट खा लिए थे मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे दवाई खानी होती है। सो मैंने 9 बजे खा लिया था। और ये मैंने साड़ी पहन ली है, कोई मेकअप वगैरह नहीं किया है, लिपस्टिक जस्ट की है। और आज मांग भी पड़ी है, मंगलसूत्र पहना है एक्चुअली, और सिंपल सी कॉटन की साड़ी है ये, क्योंकि कम्फर्टेबल रहे थोड़ा। तो बस अभी मैं थोड़ा सा खाऊंगी, उसके बाद थोड़ा बहुत खाना बनाऊंगी, क्योंकि हम दोपहर में एक बार खाते हैं, ठीक है। फिर आप माता जी जो होते हैं उनकी पूजा करनी होती है, उनको दिया जलाना होता है, उसके बाद खाना होता है। तो बस अभी मैं वही कर रही हूँ। और वैसे भी आज से मेरे फास्ट शुरू हो रहे हैं, क्योंकि कल से मैं अभी सावन गुजराती में हमारा कल से बैठेगा, जैसे अभी अधिक मास होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलते हो, जो एक्स्ट्रा अभी 2 सावन है ना, तो कल से सावन बैठ रहा है। तो मैं हर 3 साल बाद आता है, ठीक है। ये बृहस्पति नहीं, सॉरी आप क्या बोलते हैं इनको, मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो हर 3 साल बाद आता है ये, विष्णु भगवान के 1 महीना होता है पूरा। तो मैं हर साल, मतलब हर 3 साल बाद जब आता है तभी मैं 1 महीना रखती हूँ। तो इस साल भी मैं रखने वाली हूँ, तो कल से वो स्टार्ट होगा, ठीक है। अधिक मास जिसको बोलते हैं, 2 सावन आते हैं तब, तो मैं कल से रखूँगी। तो वैसे आज से शुरू हो गया है, क्योंकि आज मेरा व्रत है पति और बच्चों के लिए, तो हम कथा भी करेंगे उसकी। और बस अभी मैं जल्दी से थोड़ा खा लेती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत खाना बना के मेरे बेटे को लेने जाऊँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और आई होप आपको अच्छा लग रहा हो और आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप सभी का। और चलो तो जल्दी से मैं खाना खा लेती हूँ, थोड़ा सा मतलब मेरा नाश्ता, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ कि मैं क्या खाना बना रही हूँ क्या नहीं। तो और मॉर्निंग रूटीन जो है मेरा, जो मॉर्निंग रूटीन है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने आज कोई फैटर ड्रिंक नहीं लिया था, मैंने जस्ट गर्म पानी लिया था। और उसके बाद बेटे के लिए, पति के लिए जो खाना बनाया वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो आलू पराठा की रेसिपी भी दिखाऊंगी, तो बहुत सिंपल एंड बहुत ईजी है। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, तब तक मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, बाय। तो गाइस मैं मॉर्निंग में बना रही थी आलू के पराठे, तो आलू उबाल के रख दिए थे, फिर उसको छील के निकाल के, और फिर ये आटा था और चाय चढ़ा दी थी मैंने मॉर्निंग में ही। और फिर मैंने आटा गूंद दिया, उसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल डाला, और ये है आलू, उसके अंदर मैंने गरम मसाला डाला और मिर्च डाली है, ऑनियन डाली है। और उसके बाद मैंने सिंपल तरीके से बना लिया, ये रहा धीमी आंच पे, थोड़ा सा लाल हो। मेरे हस्बैंड के लिए बनाया, मेरी बेटी के लिए बनाया, बच्चों के लिए बनाया। और उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स खा रही थी, और मेरे हस्बैंड जो है ये रहे, मेरे बेटे का होमवर्क बाकी था तो मुझसे नहीं हो पाया था, तो वो करवा रहे थे। और तब तक मैं घर की सारी सफाई कर रही थी, क्योंकि आज व्रत भी था और जल्दी पूजा पाठ भी करना था इसलिए, तो वो होमवर्क करा रहे थे उसको। और तब मैंने ये छोटी सी क्लिप ले ली थी, बच्चे चले गए थे। उसके बाद मैंने ये 2 एप्पल और खजूर खाए थे, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी गाइस, ये थोड़ी सी कम हो गई थी, इससे पहले इतनी सारी बारिश थी, तो घर पे ही थी, बेटे को स्कूल छोड़ के मैं आ गई थी और बारिश शुरू हो गई थी। उसके बाद दोपहर में मैं और मेरी सासू माँ, हम दोनों खाना बना रहे थे, तो भजिए बना रहे थे, ये खीर है और पूरी बनाई थी, और अमावस थी तो पितरों को भी खिलाना होता है, तो हम खीर बनाते हैं ज़रूर। तो खीर, पूरी, भजिए बोलते हैं जो आलू के पकोड़े, वो बना रहे थे। तो ये मेरी मम्मी जी हैं, सासू माँ, और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और दाल बनाई थी, रोटी भी बनाई थी, ठीक है, क्योंकि हस्बैंड रोटी नहीं खा, पूरी नहीं खाते हैं। उसके बाद मैं और मेरी सासू माँ 3:30-4 बजे खाना खाने बैठे, पूजा पाठ करके, और फिर इन लोगों को खाना दे दिया था हमने, हम लोगों ने पूजा पाठ किया, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। और रात शाम को फिर मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं किया था, रात को पोहा बनाए थे, मैं भूल गई कि वीडियो स्टार्ट था। तो यही था मेरा छोटा सा व्लॉग, थैंक यू।